जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हमारी वीडियो का टॉपिक है, जो लोग उम्रे के लिए आ रहे हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूएई, यूरोपियन कंट्री और अमेरिकन कंट्री से, उनके लिए बड़ी अहम ये वीडियो है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। जो मेरी नॉलेज में है, बेस्ट नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो लोग उम्रे के लिए आ रहे हैं, मक्के शरीफ, मदीने शरीफ की ज़ियारत के लिए आ रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, थोड़ी सी लंबी वीडियो हो जाएगी लेकिन आपको कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलते हैं, और मेरे पास कई टॉपिक हैं, तकरीबन 8-10 टॉपिक हैं जिस पर हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपने घर से जब निकलना है, पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, जो भी जो जिस कंट्री में रहता है वहाँ से निकलना है उम्रे के लिए, जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, जिनको एक्सपीरियंस नहीं है उम्रे का, उनके लिए ये बहुत अच्छी वीडियो है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं, वीडियो कंटिन्यू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अख्तर और मेरा चैनल है अख्तर व्लॉग के से, यानी सऊदी अरब से, मक्का शरीफ से मेरा चैनल चल रहा है। तो आइए हम आपसे शेयर करते हैं कुछ उम्रे की रिक्वायरमेंट, जो कि घर से निकलते वक्त और हरम शरीफ तक जो भी आपका पैकेज है, 10 दिन का, 15 दिन का जो पैकेज है, उसमें आपको परेशानी ना हो। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं, जो आपने टिकट बुकिंग करवाई है एजेंट से, जो लोग ज़यीफ़ हैं, जो लोग चल नहीं सकते, तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा। उनके लिए व्हीलचेयर अरेंजमेंट ज़रूर कीजिएगा प्लेन में, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। एजेंट को कहिएगा कि मुझे व्हीलचेयर अरेंज करके दे टिकट के साथ, तो वो आपको एयरपोर्ट से ही व्हीलचेयर का आदमी आपको मिल जाएगा, वो आपको बैठा करके प्लेन तक छोड़ करके आएगा, सीट तक छोड़ के आएगा, ठीक है, प्लेन पे बैठा कर सुकून से। ये उन लोगों के लिए है जो बेचारे ज़यीफ़ हैं, जो नहीं चल सकते, उन लोगों के लिए ये है व्हीलचेयर की फैसिलिटी। प्लेन वालों ने, कोई भी प्लेन हो, सऊदी हो, पीआईए हो, इंडियन हो, बांग्लादेश हो, यूएई, अमेरिका, कोई सी भी प्लेन हो, उनके लिए स्पेशल फैसिलिटीज़ ये होती है। एजेंट को ज़रूर बोलिएगा अगर आपको रिक्वायर्ड है व्हीलचेयर की, कि टिकट में व्हीलचेयर ज़रूर ऐड करें, ठीक है, ये हो गया व्हीलचेयर का। अच्छा, फिर सामान की बात आती है, सामान कम से कम रखिए, जो भी है। बच्चों के साथ अगर आप आ रहे हैं, तो जो बच्चे छोटे बच्चे हैं, जो दूध पीने वाले बच्चे हैं, उनके लिए वो, क्योंकि बच्चों के साथ क्या मसला होता है, वो दूसरा दूध जो है वो नहीं ले पाते, तो दूध की अच्छी मकदार होनी चाहिए बस, मिल्क की, जो कि वो बच्चे जितना भी टाइम है यहाँ पे वो गुजार सकें अपने आराम से। डायपर्स वगैरह तो यहाँ पे आराम से मिल जाते हैं, डायपर्स वगैरह को कोई वो नहीं है, लेकिन थोड़े से महंगे हैं पाकिस्तान के बनस्पत, इंडिया के बनस्पत, बांग्लादेश के बनस्पत, मिलते हैं, मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। अच्छा, मेडिसिन आपने अपनी सारी रखनी है। जो लोग मेडिसिन यूज़ करते हैं, ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गई, हार्ट हो गई, और वो जो डेली यूज़ करते हैं मेडिसिन, वो आपने जैसे 15 दिन का आपका पैकेज है, 10 दिन आपने स्टे करना है, 15 दिन स्टे करना है, तो डबल डोज रखिएगा। डबल डोज मीन्स, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई आपकी मेडिसिन मिस हो जाती है, खो जाती है किसी उसमें, तो आपके पास उस मेडिसिन का बैकअप होना चाहिए, एक्स्ट्रा मेडिसिन होनी चाहिए, ताकि आपको यहाँ पे परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ये हो गया मेडिसिन का। और फिर दूसरी चीज़ ये, अपने साथ एक स्वेटर जरूर रखिएगा, क्योंकि बहुत से लोग ग्रुप के साथ आते हैं, ग्रुप के साथ एक रूम में कई कई लोग होते हैं, 4 लोग 3 लोग 4 लोग 5 लोग, हर एक का टेम्परेचर रिक्वायरमेंट अलग होती है, किसी को सर्दी लग रही है, किसी को गर्मी लग रही है, तो रूम में तो एसी, एक ही एसी लगा हुआ है, तो अगर आपको ठंड ज़्यादा लग रही है तो आप उसको स्वेटर को ले सकें, अपर ले सकें, ताकि आप बीमारी से बच सकें, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अच्छा,
मास्क जरूर लगाइएगा, मास्क का भी मैं आपको बताऊंगा, मास्क का पैकेट वहाँ पे वहाँ से लेकर के आइए, डिस्पोजेबल मास्क लेकर के आए वहाँ से, यहाँ पे ही मिल जाते हैं बासानी, 10 रियाल तक का आपको एक पैकेट मिल जाएगा, 50 पीसेस का पैकेट होता है वो, तो वो ज़रूर यूज़ कीजिएगा। हरम शरीफ के अंदर एहराम में जब आप उमरा करने के लिए जा रहे हैं तो मास्क जरूर लगाइएगा, क्योंकि मास्क में आता है क्या होता है, आप हरम शरीफ के अंदर है ना, तो हजारों लोगों ने एहराम पहना हुआ है, तो एहराम के अंदर से एक बारीक बारीक धुआं निकलता है, ठीक है, वो आपके नाक में जाएगा, नाक में क्योंकि आपने वहां पे स्टे काफी देर करना है हरम शरीफ में, तो वो आहिस्ता 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 जो है ना, नजले की कैफियत आपको बढ़ती चली जाएगी बढ़ती चली जाएगी, तो हो सकता है आपको नजला हो जाए, तो उससे बचने के लिए आपने एहराम जो है आपने मास्क जरूर लगाना है। एहराम की हालत में आप मास्क लगा सकते हैं, कोई ममानियत नहीं है इसकी, तो मास्क जरूर रखिएगा, मेडिसिन रखिएगा, गर्म कपड़ा जरूर रखिएगा, स्वेटर टाइप का या अपर टाइप का, ताकि आप इन सब चीज़ों से बचे रहें, एक्स्ट्रा मेडिसिन रखिएगा। तो ये हो गई, अब तीसरी चीज बात करते हैं एहराम का। एहराम जो है, जिस जगह से आप निकल रहे हैं, कोशिश करें कि एहराम आप सॉरी कोशिश करें कि एहराम आप जो है घर से ही पहन के निकलें, ट्रेन में इतनी बड़ी स्पेस नहीं होती कि आप बासानी वहाँ पे एहराम पहन सकें, गंदा होने का, नापाक होने का खतरा होता है वॉशरूम में, कई लोग यूज़ करते हैं वॉशरूम, किस तरीके से यूज़ करते हैं किस तरीके से नहीं यूज़ करते, तो एहराम आप घर से पहन के निकलें ज़्यादा बेहतर है। और फिर दूसरी चीज़ ये कि एहराम की पाबंदियाँ आपके पास बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि एहराम आपने घर से पहना है, एयरपोर्ट एयरपोर्ट से मक्का शरीफ, मक्का शरीफ से फिर आप उमरा करने के लिए जाएंगे, तो अच्छा खासा टाइम पीरियड है एहराम पहनने का ये, कि आपने उस टाइम तक एहराम पहना हुआ है और उसकी पाबंदियां आपके ऊपर लागू हैं, इसके अंदर आपसे कोई गलती हो गई, उम्रे में कोई गलती हो गई, तो आपको एक दम देना पड़ेगा। एक दम से मुराद ये है कि एक बकरी ज़बह करनी पड़ेगी हुदूद हरम के अंदर, ऐसा नहीं है कि आपने गलती यहाँ की है तो आप दम देंगे पाकिस्तान में जाकर के, इंडिया में जाके, बांग्लादेश में जाकर के, यूएई में जाकर के, ऐसा नहीं है, आपने दम देना है हुदूद हरम के अंदर, यहाँ पे जानवरों की मार्केट बनी हुई है, दम देने का मकसद ये एक बकरी को ज़बह करना, जो कि अल्लाह उसके रसूल ने हमें ये चीज़ बताई है कि ये गलती का कफ़ारा है, जो आपने गलती की है उसका कफ़ारा है, तो इस चीज़ से बचिएगा, एहराम की पाबंदी लाजमी रखिएगा। अच्छा, फिर हम बात करते हैं, लोग समझते हैं कि यार हम एयरपोर्ट पर उतरे और 1 से 1.5 घंटे के अंदर हम मक्का शरीफ पहुंच जाएंगे, फिर 1 से 1.5 घंटे के अंदर हमारा उमरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कंप्लीट डिटेल के साथ बताता हूँ कि अगर आप किसी ग्रुप के साथ आ रहे हैं, इंडिविजुअल आ रहे हैं, उसका कितना डिस्टेंस एयरपोर्ट से निकल के मक्का शरीफ फिर उमरा करने तक कितना टाइम लगेगा। देखें, आप एयरपोर्ट जद्दा एयरपोर्ट पर पहुँचे, जद्दा एयरपोर्ट पे अगर आप ग्रुप के साथ हैं तो एटलीस्ट आप ये समझ लीजिए 4 से 5 घंटे आपको ट्रांसपोर्ट में आपको वहाँ पे लग जाएंगे, जो कि होटल वालों ने, जिस होटल में आपने बुकिंग की है उन्होंने अरेंजमेंट करने में, आराम से 4 घंटे 5 घंटे आराम से लग जाते हैं। तो सबसे बेहतर तरीका ये है कि अपने आप को रिलैक्स रखने का, जैसे आप एयरपोर्ट से उतरें और बस में बैठने से पहले वॉशरूम बहुत लगे हुए हैं वहाँ पे एयरपोर्ट में, तो वॉशरूम ज़रूर यूज़ कर लीजिएगा ताकि जो आपकी हाजत है वो ख़त्म हो जाए। यानी कि आप एयरपोर्ट से निकलने से पहले वॉशरूम जरूर यूज़ कीजिएगा ताकि आपको रास्ते में परेशानी ना उठानी पड़े। एयरपोर्ट से जैसे मैं बता रहा हूँ, ग्रुप ग्रुप वालों के होटल जो है वो 4 घंटे 5 घंटे आपको बस ट्रांसपोर्ट में लग जाते हैं, 4 घंटे 5 घंटे में आपको ट्रांसपोर्ट मिलेगी एयरपोर्ट में, फिर वहाँ से मक्का शरीफ का तकरीबन 1.5 घंटे का रास्ता वो है, फिर आपको होटल उतारेगा, होटल में जब उतारेंगे वहाँ पर आपको एक अलग सीन मिलेगा। वो क्या सीन है वो मैं बता रहा हूँ आपको, कि भाई अभी तो जो पहले वाले ग्रुप हैं वो तो अभी गए नहीं हैं, आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। ये मेरे बहुत से लोगों के साथ ऐसा हो चुका है, बहुत से लोगों के साथ, और ये नॉर्मल है, ये हर एक के साथ होता है, ये लोग इस तरीके से नहीं कि आप गए आपका होटल रूम बिल्कुल तैयार, बहुत कम ऐसा होता है कि आपका रूम बिल्कुल तैयार है,
तो एटलीस्ट आपको वहाँ पे 2-3 घंटे आपको होटल के नीचे रिसेप्शन या बस में बैठे हुए वहाँ पे आपको इंतजार करना पड़ेगा मक्के शरीफ में। 4 घंटे आपके यहाँ हो गए एयरपोर्ट पे, 3-4 घंटे आपके यहाँ पे हो गए, 1.5 घंटा आपका ट्रैवलिंग का हो गया मक्के टू जद्दा टू मक्का, ठीक है। फिर वहाँ पे 2-3 घंटे आपको इंतजार करना पड़ेगा अपने रूम के लिए, तो काफ़ी 8-9 घंटे तकरीबन 7-8-9 घंटे इस तरीके से आपको लग जाते हैं। होटल में पहुंचिए आप, फिर वहाँ पे अपना वजूजू कीजिए, वॉशरूम से फारिग होइए, जो भी आपके आयात है वो पूरीजिए, खाना पीना खाइए। अगर आपकी हिम्मत है तो उसी दिन आप उम्रा कर लीजिए, लेकिन उम्रा करने के लिए आपको परमिट लेना पड़ेगा। परमिट लिए बगैर उम्रा नहीं कीजिएगा, फाइन लग जाएगा। फाइन है यहाँ पे बगैर परमिट के उम्रा करना, इसकी एप्लीकेशन है, इसकी मेरी वीडियो एक अलग से मैं इसके अंदर डालूंगा, आजकल मैं उसकी एक वीडियो डाल रहा हूँ किस तरीके से आपको परमिट लेना है, किस तरीके से क्या करना है, उसकी मैं अलग वीडियो डालूंगा। तो ये बड़ा लंबा डिस्टेंस है एयरपोर्ट से निकलना, होटल पहुंचना मक्के शरीफ, फिर मक्के शरीफ से फारिग होकर के होटल से फारिग होकर के उमरा करना। उमरा करने में आपको तकरीबन 2-2.5 घंटे लग जाएंगे। अच्छा, उमरा करने का मैं आपको बताऊँ, जैसे आपने बुकिंग की करवाई थी ना यहाँ पर टिकट की व्हील चेयर की, इसी तरीके से हरम शरीफ में भी फैसिलिटीज है व्हील चेयर की, फ्री में व्हील चेयर भी मिलती हैं आपको। अगर आप फ्री में व्हील चेयर लेना चाह रहे हैं, लेकिन उसके लिए क्या है कि चलाने वाला होना चाहिए, कि अगर कोई बीमार आदमी है तो उसके साथ एक दूसरा आदमी होना चाहिए जो उसको व्हील चेयर को चलाए। फ्री में ही मिलती हैं। मरवा के पीछे की तरफ एक एरिया बना हुआ है, वहाँ पर आप किसी से पूछिएगा मुझे व्हील चेयर चाहिए, तो शायद वो कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखते हैं और या फिर कोई एडवांस रखते हैं वो, लेकिन जब आप व्हील चेयर रिटर्न करेंगे तो वो आपको वापस कर देंगे। तो इस तरीके से कोई सिलसिला है, लेकिन मिलती है। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, बैटरी ऑपरेटेड व्हील चेयर भी हैं वहाँ पे, इसकी मेरी एक अलग सी वीडियो है, लिंक मेरा इसके नीचे मैंने दिया हुआ है, उस लिंक में जाकर के देख लीजिए बैटरी ऑपरेटेड व्हील चेयर कैसे मिलेगी, उसके चार्जेस क्या हैं, सिंगल पर्सन के चार्जेस क्या हैं, डबल पर्सन के चार्जेस क्या हैं, तो उसकी पूरी कंप्लीट डिटेल मेरी इस वीडियो में नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, लिंक है, उस लिंक पे आप जाकर के देख सकते हैं। अच्छा, डिस्टेंस का हो गया, इसका हो गया, अब बात करते हैं होटल की भी हो गई। अच्छा, अब बात करते हैं फूड की, खाने पीने की। पाकिस्तानी होटल, अरबिक होटल कसीर तादाद में यहाँ पे बने हुए हैं, रेस्टोरेंट को यहाँ पे मताम बोलते हैं, और जो सुपर स्टोर जो है ना उसको यहाँ पे बूफिया बोलते हैं। सुपर स्टोर, बूफिया और पाकिस्तानी मताम होना यहाँ पे आपको कसीर तादाद में मिल जाएंगे, लेकिन आप जो है कोशिश कीजिएगा फलों का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, ताकि उससे आपका जो है इम्यून सिस्टम भी आपका स्ट्रांग रहे और बीमारी ना, बीमार ना हो आप, नज़ला ज़ुकाम बुखार वगैरह से ना हो, तो कोशिश करें फलों का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। पाकिस्तानी फूड मैं आपको बता देता हूँ कि एक पर्सन का तकरीबन जो है 15 रियाल का फी पैकेट आपको, एक पार्सल 15 रियाल का आपको यहाँ पे आराम से एक टाइम का मिल सकता है। अगर जिन्होंने फूड जो है पैकेज के साथ लिया हुआ है तो उनके लिए मसला नहीं, होटल उसको प्रोवाइड कर देगा, लेकिन बहुत से लोगों ने पैकेज के साथ नहीं लिया होता है फूड, तो उनको बाहर से लेना पड़ता है, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे मताम हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं यहाँ पर, जिस एरिया में भी आप रहेंगे, हर एरिया में बने हुए हैं, अरबिक, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, हर किस्म के मताम यहाँ पर बने हुए हैं, तो आराम से फूड उसका खाना आपको यहाँ पर मैसर, नाश्ता आपको मैसर मिल जाएगा, खाना आपको मैसर हो जाएगा, हर चीज़ आपको मैसर हो जाएगी। अगर आप रमज़ान में आ रहे हैं तो रमज़ान में अफ्तारी का जो मज़ा हरम शरीफ में है कहीं नहीं है, जो अफ्तारी का मज़ा मदीना शरीफ में है कहीं नहीं है। सुपर, अल्लाह ताला ने इतनी बरकत दी हुई है इन दोनों जगहों पे कि ना ख़त्म होने वाला फूड है, ना ख़त्म होने वाला फूड है यहाँ पे। कितना खाएंगे, कितना खाएंगे, बस हो जाती है बस, ठीक है ना। लेकिन इबादत पे ज़्यादा ख्याल रखिएगा, खाने पीने पे कम रखिएगा ख्याल। अच्छा, फिर उमरा, आपने उमरा कर लिया, उमरा की, उमरे के लिए गए, व्हीलचेयर की ज़रूरत है तो व्हीलचेयर की लिंक मैंने आपको बताया नीचे लिया रखा मैंने दिया हुआ है, नीचे से आप ले सकते हैं कि आपको बैटरी ऑपरेटेड व्हीलचेयर कैसे मिलेगी। अगर आप बैटरी ऑपरेटेड व्हीलचेयर किस तरीके चलाते हैं वो भी मैंने, वो उसकी वीडियो भी मेरी इसके अंदर पड़ी हुई है कि व्हीलचेयर चलाते कैसे हैं, वो हो गया।
फिर उसके अंदर आपको उम्रा करके, जब आप फारिग होंगे तो आपको हेयर कटिंग की आपको जरूरत पड़ेगी। कोशिश कीजिएगा कि आप पूरे आदमी हैं तो पूरे बाल गंजे हो जाएं फर्स्ट उम्र में, बहुत अफजल तरीका है, क्योंकि आप इतनी दूर से आए हैं, पैसे खर्च करके आए हैं, तो वही काम कीजिए जिसमें अफजलियत ज़्यादा से ज़्यादा है। बिल्कुल टिंट करवा लीजिए, बाल आ जाएंगे, दो एक दो हफ्ते में दोबारा बाल आ जाएंगे, क्या हो गया। तो उसके बाल कटवाने के 10 से 15 रियाल लेते हैं हरम शरीफ। जैसे ही आप मरवा से बाहर निकलेंगे उम्रा करके, तो आपको वहाँ पे बहुत से लोग मिल जाएंगे, बाल कटवाने वाले लोग मिल जाएंगे। वो आपसे पूछेंगे कि इस तरीके से इशारा करते हैं, बाल कटवाने, तो वो आप उनके साथ चले जाइए, 10 रियाल 15 रियाल लेते हैं, वो बाल आपके काट देंगे। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ ये है, अगर आपको डे टाइम में अगर आप निकल रहे हैं हरम शरीफ से, जैसे जोहर की नमाज के लिए, असर की नमाज के लिए, छतरी का इस्तेमाल कीजिए। गर्मी स्टार्ट हो गई, यहाँ पे बहुत शदीद गर्मी पड़ती है, छतरी का इस्तेमाल कीजिएगा, या किसी शेड एरिए में रहिएगा ताकि आपको सन जो है डायरेक्ट आपकी बॉडी के ऊपर अटैक ना करे। बहुत शदीद गर्मी पड़ती है यहाँ पे, 50-55 टेम्परेचर यहाँ पे जाता है, आदमी मेल्ट हो जाता है, ये समझिए आदमी मेल्ट हो जाता है। तो ख्याल रखिएगा, पानी बहुत ज़्यादा पीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिएगा, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। और अच्छा, फिर दूसरी चीज़ है, आपने पहला उम्रा ख़त्म कर लिया, आपके पास टाइम है, आपकी ख्वाहिश हो रही है कि आप दूसरा उम्रा करें, कि मुझे दूसरा उम्रा करना है, तो दूसरा उम्रा करने के लिए एहराम आप वहीं होटल से पहनना चाहें तो होटल से पहन लें, नहीं तो लोग मस्जिद आयशा आते हैं, मस्जिद आयशा हुदूद हरम से बाहर है, आपको लाजमी सेकेंड उम्रा करने के लिए हुदूद हरम से बाहर निकलना पड़ेगा, मस्जिद आयशा आना पड़ेगा, वहाँ पे हमाम की हर चीज़ की सहूलत मौजूद है, वहाँ से भी आप एहराम पहन सकते हैं। वहाँ पे पूरा इंतज़ाम किया हुआ है सऊदी गवर्नमेंट ने, बहुत अच्छा इंतज़ाम है, साफ सुथरे हमाम, वॉशरूम साफ सुथरे वहाँ बने हैं, वहाँ पे आके एहराम पहन सकते हैं। हुदूद हरम से आपको लाजमी सेकेंड उम्रा करने के लिए लाजमी आपको हुदूद हरम से बाहर निकलना पड़ेगा, तो लोग अमूमन मस्जिद आयशा ही आते हैं, वहाँ पे अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। शेड में रहिएगा, डायरेक्ट सन हीट आपके ऊपर बॉडी पे ना पड़े। सेकेंड उम्र के लिए आपको मस्जिद आयशा या हुदूद हरम से बाहर निकलना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ और, अब बात करते हैं जमजम की। जमजम आपको हरम शरीफ में, मक्के मदीने में, सिर्फ मक्के मदीने में बाउंड्री के वक्त आपको कसीर तादाद में मिलेगा, जितना चाहें पिए। एक चीज़ का बड़ा ख्याल रखिएगा, बहुत से लोगों को मैंने देखा है यहाँ पे जमजम पीते वो अपने ऊपर डालते भी हैं, नहाते हैं उससे, ठीक है ना, सर के ऊपर डालेंगे जमजम, क्योंकि जमजम का पानी होता है ठंडा, ठीक है ना, वहाँ पे जो कूलर लगे हुए हैं ठंडे पानी के लगे हुए हैं, अच्छा नॉट कोल्ड भी होता है, नॉट कोल्ड का मतलब ये नहीं है कि गर्म पानी है उसके अंदर, रूम टेम्परेचर वाला पानी होता है। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा कि अपने ऊपर सर के ऊपर नहाए नहीं, कपड़े गीले ना करें, क्योंकि आपका बॉडी टेम्परेचर और जो वहाँ का जो रूम टेम्परेचर है वो क्रॉस होगा, वो आपकी बॉडी पे अफेक्ट करेगा, क्योंकि जिस जगह पे आप वहाँ पे बैठे हुए ना हरम शरीफ में, वहाँ पे एसी चल रहा है अंदर, आपने पानी जमजम ऊपर डाल लिया, आपकी कपड़े गीले हैं, एहराम गीला है, कपड़े गीले हैं, तो आपको बॉडी में रिएक्शन कर सकता है, नज़ला ज़ुकाम उससे हो सकता है, बुखार हो सकता है, आपकी इबादत में खलल हो सकती है, आपकी इबादत रुक जाएगी, तबीयत ख़राब होगी आपकी, आपकी इबादत रुक जाएगी, उस तरीके से इबादत नहीं हो पाएगी जैसा कि आप सोच कर आए हैं। बहुत ख्याल रखिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और फिर उसके बाद वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, यही सब चीज़ें हैं कि हेयर कटिंग, जमजम का जो है ख्याल रखना है, पाकिस्तानी मतम यहाँ पे बहुत ज़्यादा कसी ताज़ा मिल जाएंगे, सारी चीज़ें हैं। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आई थिंक मैंने सारी जो है इन्फॉर्मेशन छोटी छोटी सी करके बहुत सारे टॉपिक को मैंने एक साथ कर दिया है, जो कि आपको एयरपोर्ट से लेकर के घर से निकलते वक्त से लेकर के उम्र तक की जो है इन्फॉर्मेशन आप तो आपको मिल गई है। सेकेंड उम्र करना है तो आपको एहराम कहाँ से मानना है, मस्जिद से बाहर आना है, फूड किस तरीके से है, मेडिसिन साथ लेके चलिएगा, मेडिसिन इम्यून सिस्टम को जो है विटामिन सी का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिएगा, व्हील चेयर के लिए कोई टेंशन नहीं है, एयरपोर्ट से आपने टिकट बुक करवाते हैं व्हील चेयर आपने लेनी है, यहाँ पर भी आपको व्हील चेयर मिल जाएगी, नो टेंशन,
फिर भी किसी चीज के बारे में आपको पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने ये वीडियो अच्छी नहीं बनाई। इसके साथ मुझे इजाजत दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। इसके साथ मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, और मेरे लिए, मैं भी आपके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों का सफ़र आसान करे, उम्रा आपका कबूल हो, मकबूल हो, अल्लाह ताला उसको कबूल करे, आपकी इबादत को कबूल करे, और जिन लोगों ने अभी मक्के मदीने की ज़ियारत नहीं की तो अल्लाह ताला उनके लिए सिलसिले बनाए, वसीले बनाए, ताकि वो मक्के मदीने की ज़ियारत करें, हज उम्रा करें। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।